बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पपीज इन अक्टूबर पेज नंबर 52 इन माय बुक। हाँ जी आपके एन के एन वालों की है। हाँ यही पेज नंबर 52 है पपीज इन अक्टूबर। फर्स्ट आई विल रीड देन यू विल रीड एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट। Even the sun clouds this morning cannot manage such curves, nor the women in the ambulance whose red hair looms through her coat so astoundingly, a gift, a love gift, utterly unmasked for by a sky, palely and flamely, igniting its carbon monoxide by eyes, dulled to halt under bowers. Oh my God, what am I that these late mouths should cry open in the frost of frost and in a dawn of corn stars? So you will read, Mari. Even the sun clouds. No, separate. Even the sun clouds this morning cannot manage such curves, nor the moon. आप पढ़ो आगे। Whose red heart blooms through her coat so astoundingly, a gift, a love gift, utterly unmarked for by a sky, palely and flamely, igniting its carbon monoxide by eyes dulled to her heart under bothers. Oh my God. But am I late mouth to cry open in the forest of frost, in the dawn of corn flowers? Okay. Basically, puppies in October, puppies is the name of flower. फ्लावर का नेम है और ये सिम्बलाइज करता है बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों को। इसकी डिज़ायर्स को भी सिम्बलाइज कर सकता है कि इसने जो है वो किस तरह से इसकी जो है वो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही थी, उसको ये पपीज़ जो है वो सिम्बलाइज करते हैं। अब इसका इसकी असल में इसकी जो पोइम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पोइम को एक लेयर में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आप इसकी पोइम को जितनी भी लेयर्स में जाए, आप इसकी अगर सेक्सुअल इमेजरी में इसको देखोगे तो ये पोइम पूरी उतरेगी। इसको आप अगर देखोगे कि इसमें इसकी डिज़ायर्स के हवाले से, तो उसके हवाले से भी ये पोइम पूरी उतरती है। अगर इसकी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से देखो तो उस हवाले से भी इसकी पॉइंट जो है वो पूरी उतरती है। अब देखें, अब मैं इसको दो लेयर्स में डिस्क्राइब करूंगी। पहले एक लेयर में पढ़ेंगे इसको लेके, फिर दूसरी लेयर में पढ़ेंगे, फिर आप इसको आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह से बात की है। इवन द सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच कर्व्स। अब मैं इसको पढ़ने लगी हूँ डिज़ायर्स के सिंबल के हवाले से कि पपीज, अब हमने मान लिया कि पपीज जो हैं वो डिज़ायर्स का सिंबल है। अब जब लिखा है कि पपीज इन अक्टूबर, तो बेसिकली वहाँ पे जो इंग्लिश सोसाइटी होती है वहाँ पे अक्टूबर जो है वो विंटर को रिप्रेजेंट करता है, विंटर सीजन को। तो वो विंटर जो है वो किसका सिंबल बन जाता है, डेथ की तरफ लिया जाता है, यानी डिके का सिंबल लिया जाता है कि विंटर सीजन जो है वो तबाही का सिंबल है, डिके का सिंबल है। तो जब उन्होंने अब फूल को सिम्बलाइज कर दिया है अक्टूबर के साथ, उसको मिला दिया, तो इट्स मीन पोइटस हमें ये बताना चाहती है, पोइट हमें ये कहना चाहती है कि फूल जो हैं वो गलत वक्त पे उगाए हैं, यानी कि अक्टूबर में उनके खिलने का वक्त नहीं था, उन्होंने तो बरसात में खिलना था, तो वो अक्टूबर में वो कैसे खिल सकते हैं। यानी कि इन अदर सेंस अगर मैं कहूँ तो वो ये कहना चाहती है कि मेरी डिज़ायर्स जो हैं वो अभी तो वक्त ही नहीं है उनके बाहर उभरने का या निकलने का, या मेरी ये ख्वाहिश करने का कि मैं अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकूं। तो मेरी डिज़ायर्स जो हैं वो क्यों ऐसे उभर के आ रही हैं, वो क्यों अपनी फुलफिलमेंट चाह रही हैं, जबकि सोसाइटी उनको तो फुलफिल नहीं होने देती, उनको सोसाइटी तो क्रश कर रही है, लेकिन क्यों मेरी जो ज़ात है वो क्यों अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रही है। ठीक है, इस चीज़ को वो डिस्क्राइब करती जाती है। इवन द सन क्लाउड्स This morning cannot manage such curves. अब वो अपनी डिज़ायर्स की ब्यूटी को बयान कर रही है। फर्स्ट लाइन में वो कहती है कि इवन यहाँ तक के दिस सन क्लाउड्स के, सूरज के साथ जो सन क्लाउड्स का मतलब होता है सूरज के साथ जो अक्सर बादल जो छोटे छोटे आए होते हैं,
यानी बादल के टुकड़े हम इनको कह सकते हैं, सन क्लाउड्स बादल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं सूरज के साथ ठहरे हुए, दिस मॉर्निंग इस सुबह को कैन नॉट मैनेज सच कर्स, कर्स का मतलब कपड़े, वो कहती है कि इतने प्यारे कपड़े तो उनके भी नहीं है, यानी उसने किस तरह से यानी उसकी खूबसूरती देखी है आपकी, उसने किस तरह से बयान किया है कि वो कहती है कि उन जो क्लाउड्स हैं सूरज के गिर्द इतनी प्यारी स्कर्ट्स तो उनकी भी नहीं है जितनी प्यारी मेरी डिजायर्स हैं, वो ये असल में कहना चाह रही है। नोर दी वुमेन, अब उसने बात को बदल दिया, अब ये तो उसने एक हमें ब्यूटीफुल इमेजरी दे दी ना, अब देखें आपने साथ साथ चीज़ों को नोट भी करना है कि इसके अंदर इमेजरी भी आ गई, एक इमेजरी भी क्रिएट होगी, एट द सेम टाइम उसने सिंबल भी हमें बता दिए, सिंबल पपीज जो है वो डिजायर का सिंबल है, ठीक है, अक्टूबर जो है वो डिके का सिंबल है इस तरह, हाँ बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट वो कहती है नो द वुमेन इन द एम्बुलेंस, और वो कहती है ना ही वो औरत इन द एम्बुलेंस जो कि एम्बुलेंस में है, जिसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, उसको ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में। पहले उसने बात की कि मेरी डिज़ायर्स जितनी प्यारी मेरी डिज़ायर्स हैं उतने प्यारे तो सूरज के साथ जो टुकड़े ठहरे हुए हैं बादल के वो भी इतने प्यारे नहीं हैं। फिर वो कहती है और ना ही वो औरत इतनी अच्छी है या उस औरत की कंडीशन इतनी अच्छी है जो कि एम्बुलेंस में है, हुज रेड हार्ट ब्लूम, जिसका जो सुर्ख दिल है वो ब्लूम धड़क रहा है, वैसे तो ब्लूम करना होता है लेकिन यहाँ पे धड़कने की सेंस में लिया गया, जिसका रेड दिल जो है सुर्ख दिल जो है वो धड़क रहा है थ्रू हर कोट, उसके कोट के जरिए से, सो एस्ट्राउंडिंग, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि हर्ट के साथ जोड़ा गया तो इस तरह सो एस्ट्राउंडिंगली, एस्ट्राउंडिंगली का मतलब होता है अमेजिंगली, यानी कि वो कहती है कि जिस तरह से एक औरत जो है उसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और उसका जो कोर के अंदर से उसका जो रेड दिल है वो धड़क है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है, तो एट द सेम टाइम उसने कंडीशन ऑफ वुमेन दिखाई है कि जब वो एम्बुलेंस में प्रेगनेंसी की सूरत में जा रही है तो एट द सेम टाइम उसके अंदर जॉय भी है, उसके अंदर हैप्पीनेस भी है, खुशी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर खौफ भी है कि वो फियर में भी है, और एट द सेम दोनों यानी कि उसकी तकलीफ और खुशी ये दोनों कैसे आते हैं उसकी। तो वो कहती है कि जिस कैफियत में वो औरत एम्बुलेंस के अंदर जा रही है उतनी प्यारी या उतनी अच्छी जो एक वुमेन फील करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो वो अपनी कंडीशन जिस तरह से वो अपनी फीलिंग्स उसकी होती हैं इतनी प्यारी तो उसकी वो फीलिंग्स भी नहीं होंगी, या जिस तरह से वो खौफ में या खुशी के मिक्सचर वाले सिचुएशन में है इतनी अच्छी तो कंडीशन उसकी भी नहीं है जितनी के डिज़ायर्स हैं। तो अब ये देखें उसने जो है वो दो चीज़ों को मिक्सचर कर दिया, एक इमेजरी जो उसने हमें दिखाई वो बड़ी अच्छी थी खूबसूरत थी बादल के साथ जो जोड़ा, लेकिन दूसरी जो उसकी है वो उसकी दुखी हालत को बयान कर रही है, ये दूसरी वाली लाइन जो एम्बुलेंस वाली, क्योंकि एम्बुलेंस भी किसका सिंबल है कि वो डेथ की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंसान क्रिटिकल हो उसको लेके जाती है। तो इट मीन एट द सेम टाइम उसने हमें बताने की कोशिश क्या की है कि मेरी, अब उसने रेड हार्ट का जिक्र जब किया तो हमारे माइंड में थोड़ा सा वो टिंकलिंग होती है ना कि ये कैसी चीज़ उसने कही है, तो रेड हार्ट का जब इसने ब्लड के साथ उसको मिला दिया अपनी डिज़ायर्स को, तो इस मीन के उसने ये दो बातें हमें करके मिक्सचर बताया कि एट द सेम टाइम उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा प्यारी भी हैं अच्छी भी हैं, वो ये नहीं कहती कि मेरी डिज़ायर्स बुरी हैं, वो ये कहती है कि अगर मेरी डिज़ायर की फुलफिलमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत डिज़ायर रखती हूँ, वो कहती है मेरी डिज़ायर्स भी अच्छी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी दफ़ा वो दूसरी लाइन में उसने क्या कहा कि मेरी डिज़ायर्स इंजर्ड भी हैं। दूसरी ये जो हमने एम्बुलेंस वाली औरत वाली लाइन पढ़ी है ये हमें क्या बता रही है कि जब हम इसको आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो हम इसको बताएंगे कि उसने जो है वो अपनी इंजर्ड साउल को इसमें रिप्रेजेंट किया है, उसने ये बताया कि उसकी डिज़ायर्स भी उसी तरह इंजर्ड हैं उसी तरह जख्मी हैं उसी तरह तकलीफ में है जैसे कि एम्बुलेंस जब जो औरत में जा रही है उसकी जो है वो कंडीशन जो है वो बुरी हालत में है, इसी तरह मेरी डिज़ायर्स भी हैं। अब वो कहती है अ गिफ्ट अ लव गिफ्ट, अब वो कहती है ये जो पप्पीज है ना ये मेरा तोहफा है, यानी कि पप्पीज मेरा तोहफा है या मोहब्बत का तोहफा है, इसका क्या कहने का मतलब है कि मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो मेरे लिए गिफ्ट हैं, जो मैं अपने अंदर डिज़ायर्स रखती हूँ वो मेरी गिफ्ट हैं। अटरली अनमास्क, वो कहती है मुकम्मल तौर पे, अटरली मुकम्मल तौर पे अनमास्क्ड नंगी हैं बगैर मास्क के हैं, फोर बाय अ स्काई, स्काई का मतलब अथॉरिटी हम लेंगे, यानी कि स्काई जो है इसको भी सिम्बलाइज कर दिया गया अथॉरिटी से, यानी आप ये देखें हमें ऐसे बात नहीं होगी कि जैसे मैं कहूँ कि
अक्टूबर आया हुआ है, ठीक है, अक्टूबर के अंदर फूल खिल गए। एक तो डिके का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, फूल तो खिलने ही नहीं बनते थे, फूल खिल गए, यानी कि डिजायर्स के तो निकलने का मौसम ही नहीं था, डिजायर्स को तो आना ही चाहिए था, क्यों डिजायर्स आ रही हैं, क्यों डिजायर्स फुलफिलमेंट आ रही हैं। फिर उसने क्या कहा कि मेरी डिजायर्स जो हैं वो एक औरत जिस तरह से कंडीशन में होती है एम्बुलेंस में जाते हुए, उसी कंडीशन में मेरी डिजायर्स भी हैं। फिर वो कहती है कि मेरी, वो कहती है जैसे फूल पड़े हुए हों, तो वो कहती है कि फूल जो हैं वो अनमास्क्ड पड़े हुए हैं खुले आसमान के नीचे, यानी कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है, उनको कुछ सिक्योर करने वाला नहीं है। एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से अनसिक्योर है वो, तो इट मीन वो कहना क्या चाह रही है बैकग्राउंड में कि मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो अनमास्क्ड हैं, उनको कोई सिक्योर करने वाला नहीं है, उनको कोई फुलफिलमेंट उनकी नहीं होने दे रहा, और वो अथॉरिटी के नीचे सोसाइटी के नीचे रहते हुए जो है वो क्रश हो रही हैं, वो निकलना चाहती हैं बाहर, मेरे ज़मीन के अंदर से बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन वो निकल नहीं सकती। तो अटली अनमास्क्ड फॉर बायस का है कि मुकम्मल तौर पे वो अनमास्क्ड पड़ी हुई है अथॉरिटी के नीचे, पेली एंड फ्लेमली। और वो क्या है पेली एंड फ्लेमली, अच्छा यानी कि वो जर्द हैं और आग बरस रही है उसके अंदर से, फ्लेमली शोले निकल रहे हैं, यानी कि मेरी जो डिजायर्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो बेताब है बाहर निकलने के लिए, फ्लेमली का मतलब आग बरस रही है उनमें से। इजुनेटिंग अर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का लफ्ज इस वजह से यूज़ किया गया है जो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो ये बायोग्राफिकल जो है वो एलिमेंट को टच करता है, जैसे कि हमने बताया, मैंने बताया आपको, हाँ उसका फादर जो है वो क्योंकि बायोलॉजी का टीचर था तो ये भी जो है वो उसकी फॉर्म थी, तो इस वजह से ये इस तरह के वर्डिंग यूज़ करती थी। इजुनेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल लाइटनिंग, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को मे भी जिन्होंने बायो पढ़ी उनको पता होगा कि बनाते हुए इस तरह से फ्लेमिंग होती है या लाइटनिंग होती है गैस को, ये प्रैक्टिकल करते हैं ना जिस तरह, तो वो कहती है कि मेरी, उसने उसको अपनी डिज़ायर्स के साथ जोड़ दिया कि मेरी डिज़ायर जो है वो उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह लाइटनिंग कर रही हैं, यानी कि वो किसी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, यानी कि ओवरऑल उसका कहने का मतलब ये है कि वो जल रही हैं, वो जो है वो तपिश में हैं लेकिन उनकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही। बाय आइज डल्ड टू अ हार्ट अंडर बाउलर्स, बाउलर्स का मतलब होता है हार्ट का मतलब, जी लिखा हुआ नीचे क्या लिखा हुआ, a kind of head, हाँ ठीक है, हेड है, हेड का मतलब वही है, अथॉरिटी को यहाँ पे लिया गया है हेड, यानी कि हेड के नीचे, अंडर हेड यानी हेड के नीचे, और हार्ट का मतलब होता है रुकना। बाय आइज डल्ट टू अ हार्ट अंडर बाउलर्स, अच्छा वो कहती है कि मेरी जो डिज़ायर्स है ना वो आग की तरह जल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह जल रही हैं, लेकिन क्या होता है बाय आइज डल्ड, लेकिन जो आइज़ हैं, जो दूसरों की आइज़ है ना, जो सोसाइटी की आइज़ है, मेरी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की जो आइज़ हैं वो डल हो गई हैं, यानी वो मुझे देखती नहीं है, मुझे देखती हैं तो डल आइज़ के साथ देखती हैं, मेरी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए कोई नहीं आता, सब मुझे जो है ना वो अपनी धुंधली आंखों के साथ बस देखते हैं और पास से चले जाते हैं। टू अ हार्ट, हार्ट का मतलब रुकना, यानी कि वो मुझे रुक के देखते हैं, मेरी डिज़ायर्स को जो है वो एनालाइज करते हैं, अंडर बाउलर्स हेड के नीचे, यानी कि अपनी हेड लिए हुए लोग जो है ना अपनी हेड को ऐसे नीचे कि वे बस मेरी, मुझे देख के ना मेरी डिज़ायर्स को पास से गुजर जाते हैं, यानी कि ओवरऑल उसका कहने का पर्पज़ यह है कि लोग मेरी डिज़ायर्स के बारे में जानते हैं, वो इस बात से अश्योर हैं कि मैं जो हूँ वो फुलफिलमेंट चाहती हूँ अपनी डिज़ायर्स की, लेकिन वो हाँ कोई भी मेरे ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं करता। अंडर बाउलर्स हेड के नीचे, अब ये हेड जो है किसकी हेड है, ये अथॉरिटी की हेड है, ये सोसाइटी की हेड है, ये पीपल है जो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ओ माई गॉड, ये इसकी बहुत प्यारी लाइन है, ओ माई गॉड व्हाट एम आई, वो कहती है कि ए मेरे खुदाया मैं क्या हूँ, अपने आप को वो कह रही है, यानी कि उसकी जो है वो आप उसकी साइकी देखें, चेक करें कि वो कह रही है कि, यानी कि वो कहती है कि उसकी डिज़ायर्स जो हैं
अपने आप को, अपनी जात को वो कह रही है, क्योंकि नार्सिसिज्म है उसके अंदर, नार्सिसिस्ट है वो, तो वो कहती है कि ओ माय गॉड व्हाट एम आई, कि ऐ मेरे खुदाया मैं क्या हूँ, अपने आप से ही वो खाइफ है। एट द सेम टाइम अपनी ही डिजायर की वजह से वो खुशी भी महसूस कर रही है और अपने आप से ही वो खौफजदा भी है कि पता नहीं मैं हूँ क्या चीज़, कि मैं इतना कुछ ही नहीं कि मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर किस किस तरह की, किस किस अजीब तरह की जो है वो ख्वाहिशात मेरे अंदर पली हुई है और उन पे मेरा अपने आप को ये भी तो एक तासुब भी तो है ना। हाँ मेरा नहीं, वो अपने आप को बुरा नहीं समझती, वो अपने आप से अपनी जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को लव करती है। तो वो कहती है, वो बेसिकली अपनी डिजायर्स को पुकार के कह रही है कि मैं क्या हूँ। अब ये वाली ये लाइन जो है वो उसके फियर को रिप्रेजेंट कर रही है, ज्यादा बेसिक मेंशन भी कर लो उसकी डिजायर पूरी होंगी कि नहीं। हाँ वो फियर में बिल्कुल, कि वो कहती है कि मैं खुदा कि मेरी बहुत सी चीज़ें हैं, कि वो कहती है कि एक तो मेरी मेरे अंदर डिजायर इतनी हैं क्यों, दूसरा वो कहती है कि मैं इनको फुलफिलमेंट क्यों नहीं इनकी कर सकती, तीसरा वो उनसे अपनी ही डिजायर्स की वजह से खाइफ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो कहती है, ओ माई गॉड व्हाट एम आई दैट दीज लेट माउथ शुड क्राई ओपन। वो कहती है क्या ये जो लेट जो माउथ हैं, यानी कि लेट माउथ से मुराद है कि देर से खिलने वाले, ये जो देर से आने वाले फूल हैं, क्योंकि अक्टूबर तो मंथ नहीं था फूल के खिलने का, अक्टूबर तो मंथ नहीं था डिज़ायर्स के आने का, तो ये जो देर से आने वाली ख्वाहिशात हैं, शुड क्राई ओपन, क्या ये अब अपना मुंह जो है वो खोल के चीखेंगी चिल्लाएंगी। बस दो लाइन सॉरी, वो कहती है क्या ये अपना मुंह जो है वो खोल के चिल्लाएंगी, क्या इनका ये वक्त है चिल्लाने का, चीखने चिल्लाने का, यानी कि वो ये कहना चाहती है हाँ, यानी ऊपर उसने जल्दी ही तो बात नहीं की थी, अभी ख्वाहिशात के आने का वक्त नहीं था। हाँ यानी कि वो ये बात है कि वो कहती है कि वो पहले अपनी हाँ वो पहले अपनी ख्वाहिशात से खाइफ हुई है, यानी वो कहती है कि मेरे अंदर ख्वाहिशात है क्यों इतनी और मैं किस तरह की ख्वाहिशात रखती हूँ, जैसे एकदम बंदा कभी हाँ चेंज होता है, चेंज होता है। पहले वो उसने बात यहाँ से शुरू की कि वो कहती है कि मेरी ख्वाहिशात खूबसूरत है, फिर उसने बात उसकी उसको जो है वो ब्लड के साथ उसको ले आई कि वो जख्मी है मेरी ख्वाहिशात, फिर वो कहती है अब वो लास्ट पे आते हुए कह रही है कि इस मौसम में खिली क्यों है, अब इनको तकलीफ क्या हुई है, उनको फिर ब्लेम भी दे रही है। तो वो यहाँ से ही बात शुरू करी कि ओ माई गॉड व्हाट एम आई, क्या मेरे खुदाया मैं क्या हूँ कि ये इतनी देर से निकली हैं ख्वाहिशात, अब अपनी ख्वाहिशात को ब्लेम दे रही है एक तरह से, वो कितनी देर से क्यों आई है, शुड क्राई ओपन, क्या इनको अब चीखना चिल्लाना चाहिए, बाहर इनको निकलना चाहिए, इन द फॉरेस्ट ऑफ फ्रस्ट, फ्रस्ट बर्फ का को कहते हैं, वो कहती है कि इन द फॉरेस्ट जंगल, जहाँ जो बर्फबारी का जो जंगल है, यानी कि ये जो दुनिया है बर्फबारी का जो जंगल है, क्या ये बर्फबारी के जंगल में उगेंगे ये पपीज, जहाँ बर्फ पड़ रही है वहां पे क्या ये पपीज उगेंगे। बिल्कुल, तो वो कहती है कि क्या ये बर्फ में जो है वो फूल उगेंगे, हाँ यानी वो असल में हाँ यानी कि वो एक चीज इस पोइम के वाले से के भी एलिमेंट किया जाता है कि उसके जो दिनों में ना जब ये पोइम उसने लिखी तो उसके अपने हस्बैंड के साथ भी क्लैशेस चल रहे थे कुछ, यानी कि अपने घरेलू हवाले से भी, तो उस वजह से भी वो कहती है कि अब मेरी तो ख्वाहिशात है रही ही नहीं, तो मेरी ख्वाहिशात के पूरे होने का तो ये मौसम ही नहीं था, ये तो क्राइसिस का मौसम है फाइनेंशियल हवाले से भी डोमेस्टिक हवाले से भी, तो फिर भी मेरी डिज़ायर्स जो हैं वो क्यों मुझे आवाज़ दे रही हैं, इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रस्ट, क्या ये बर्फ के जंगल के अंदर उगेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे फूल जो हैं, यानी डिज़ायर जो हैं, इन अ डॉन ऑफ कॉर्न फ्लावर, और जबकि इन अ डॉन सुबह को कहते हैं डॉन ऑफ कॉर्न फ्लावर्स, जबकि वो कहती है कि ये सुबह तो कॉर्न फ्लावर्स के उगने की है, यानी कॉर्न फ्लावर्स के उगने की, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो पपीज कैसे उगाए हैं इस सीजन में, वो कहती है कि यहाँ बर्फ से उसने अपने आप को भी मतलब किया ना कि मतलब अब तो वो एक जंगल की मानी बन गई, अब मतलब उसके अंदर ख्वाहिशात खत्म होने के लिए अब मतलब ख्वाहिशात आ रही, मतलब वो साइन उसकी शादी का भी हाँ, यानी अगर हम उसको ये अक्टूबर के मंथ से या ऐसे बर्फबारी से लें तो हम ये हाँ यानी वो होपलेस है, और वो अपनी लाइफ के भी डिके को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़, वो कहती है कि उसकी
हाँ के मरने के अलावा, यानी जब वो अपनी लाइफ में भी है, सुसाइड से पहले भी। साइड में यही है ना, तो बिल्कुल होपलेस साइन हाँ होगा तो बिल्कुल, उसने हाँ अपनी बिल्कुल, साइड से देख हाँ लिया बिल्कुल। ना। तो उसकी यानी ये चीजें जो है वो लाइफ के डिके को भी रिप्रेजेंट कर हाँ रही हैं। थैंक यू सो मच। एक और चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो ये आप बेशक कल ले लेना। ये जो सर ने आपको ये नहीं ना कर दिया, ये बल्बर का है 1 पेज, ठीक है? दिया कैंडल दिया हमें को दिया हुआ, ये बहुत बहुत लेट आई थी, इसको तो पता था तो लिखा हुआ। ये वाला बस एड्रेन रीच बस वाला यार, एड्रेन रीच ये वाला और तो थोड़ा सा वो नहीं हो।